दोस्तों डिलेटेड और फॉर्मेटेड डेटा को रिकवर करना 100% पॉसिबल है। मेरे चैनल के ऊपर काफी सारी वीडियोस हैं डिलेटेड फॉर्मेटेड डेटा रिकवरी से रिलेटेड। काफी सारे कमेंट्स भी आते हैं लोगों के कि मेरा जो है ऐसी सिचुएशन में डेटा डिलीट हो गया, इतने दिन पहले डेटा डिलीट हो गया, इस डिवाइस से डेटा डिलीट हो गया, क्या हम उसे रिकवर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको जो है उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। मैं आपको जो है डेटा रिकवरी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि जब आप कोई भी चीज डिलीट करते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, क्या एक्चुअल में वो फाइल डिलीट हो जाता है, या फिर अगर आपका कोई फाइल डिलीट हो गया है तो आपको क्या करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए, कब डेटा रिकवरी पॉसिबल होता है, कब नहीं होता है। तो चलिए जानते हैं, मैं हूं तौसीफ और आप देख रहे हैं बिलीव फॉर यू। ओके, तो सबसे पहले हमारा जो डेटा है वो कई सारी सिचुएशन में डिलीट हो सकता है। हमारी खुद की गलती से डिलीट हो सकता है, सॉफ्टवेयर मैलफंक्शन या फिर वायरस की वजह से डिलीट हो सकता है, सिस्टम हार्डवेयर फेलियर की वजह से जो है वो डिलीट हो सकता है। अगर आपके पास दूसरी कंडीशन हो, लाइक आपका जो डिवाइस है ड्राइव है वो फिजिकली डैमेज हो गया, तो भी उसके डेटा को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन आप खुद से नहीं कर सकते। वेल, अगर आप कैपेबल हैं तो आप खुद से कर सकते हैं, वरना आपको जो है किसी एक्सपर्ट से कंसल्ट करना पड़ेगा। फिलहाल हम लोग बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन की। नॉर्मल कंडीशन में जब हमारा कोई डेटा डिलीट होता है या हम डिलीट करते हैं तो बिहाइंड द सीन क्या होता है, क्या हम उसे रिकवर कर पाएंगे, या फिर हमारे पास कितना टाइम होता है उसे रिकवर करने के लिए। तो सबसे पहले अगर हम कोई डेटा डिलीट करते हैं तो वो रिसाइकल बिन में चला जाता है और हमें पता होता है कि हमारा डेटा अब भी सेफ है, हम रिसाइकल बिन से उसे इजीली रिकवर कर सकते हैं। हमारा जो कंप्यूटर फाइल सिस्टम है उसके ओरिजिनल लोकेशन से उसको हाइड कर देता है, लेकिन उस फाइल का लोकेशन वही होता है, रिसाइकल बिन से हम उसे इजीली रीस्टोर कर सकते हैं। यहां तक तो डेटा जो है वो हमारे पहुंच में होता है, हम इजीली उसे जो है वो रिकवर कर लेते हैं। कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम आपको यहां तक तो इजाजत दे देता है कि आप उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन क्या आप अगर रिसाइकल बिन से भी उस डेटा को डिलीट कर देते हैं, शिफ्ट प्रेस करके उस डेटा को डिलीट करते हैं। नॉर्मली हम लोग डिलीट करते हैं तो हमारे पास एक मैसेज आता है कि आप श्योर हैं कि आप इस डेटा को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं। हमें कंप्यूटर बता रहा होता है कि ये डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो क्या सच में वो डेटा परमानेंटली डिलीट हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी पहुंच से वो बाहर चला जाता है, हम उसे इजीली रिकवर नहीं कर सकते हैं जैसे रिसाइकल बिन से हम लोग इजीली रिकवर कर देते हैं, लेकिन वो डेटा हमारा सेफ रहता है। अभी भी हमारे पास चांसेस होते हैं, लगभग 100% चांसेस होते हैं कि हम उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं, लेकिन कब तक? ये बहुत बड़ा सवाल है कि कब तक हम उस डेटा को रिकवर कर सकते हैं। तो हमारा डेटा परमानेंटली डिलीट करने के बाद तभी तक सेफ रहता है जब तक उस स्पेस को, उस डेटा को हम लोग ओवरराइट नहीं करते या फिर वहां पे कोई दूसरा डेटा नहीं डाल देते। फॉर एग्जांपल, आपकी जो है 1 GB की फाइल थी, आपने उसे डिलीट किया, परमानेंटली डिलीट कर दिया, वो स्पेस खाली वहां पे शो करने लगता है कि 1 GB स्पेस जो है वो खाली है। तो जब तक उसे आपने खाली छोड़ा हुआ है तब तक हमारा डेटा जो है, समझिए कि बिहाइंड द सीन है, उसे हम रिकवर कर सकते हैं, हमारे पास चांसेस है। लेकिन उस 1 GB फ्री डेटा को जैसे आपने किसी दूसरे डेटा से फिल कर दिया, ओवरराइट कर दिया, राइट कर दिया, तो आपका जो ओल्ड डेटा था वो परमानेंटली डिलीट हो जाता है, तब उसको रिकवर करने के कोई भी चांसेस नहीं होते हैं। तो यहां पे एक चीज आपको मैं क्लियर कर दूं कि जब भी आपका कोई डेटा डिलीट होता है तो आप उसे ओवरराइट नहीं करेंगे, वहां पे कुछ भी नहीं करेंगे, उस ड्राइव को यूज करना छोड़ दें। जल्दी से आप जो है कोई भी डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, जैसे कि ईजस है, रिकुवा है, काफी सारे और भी सॉफ्टवेयर है, डिस्क्रिप्शन में आपको जो है वो लिंक मिल जाएंगे, उसे इंस्टॉल करें और जल्दी से जो है आप उस डेटा को रिकवर कर दें। अगर आप उसे ओवरराइट कर देते हैं तो आप उस डेटा को रिकवर नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल सा फंडा है, कोई भी डेटा अगर आपका डिलीट हो जाता है तो उस ड्राइव को आप यूज करना छोड़ दें, ना करें, और उसके बाद जो है जल्दी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें और उस डेटा को रिकवर कर लें। यहां तक डेटा रिकवरी पॉसिबल होता है, लेकिन जैसे वहां पे आपने जो है कुछ डाल दिया तो डेटा रिकवरी पॉसिबल नहीं होता है। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। नॉर्मली जब हम लोग जो है अपना मोबाइल या फिर कंप्यूटर लैपटॉप बेचते हैं, सेल करते हैं, तो क्या करते हैं, हम लोग उसे फॉर्मेट कर देते हैं और उसके बाद उसे सेल कर देते हैं। तो सिंपल फॉर्मेट करके उसे सेल कर देना हमारे लिए जो है वो डेंजरस हो सकता है, क्योंकि आपको पता ही है कि फॉर्मेट या फिर डिलीट करने के बाद भी हमारा डेटा उसमें सेफ रहता है। तो जब भी आप कोई चीज सेल करें तो उसमें जो है कुछ फालतू के डेटा को ओवरराइट कर दें, मतलब वहां पे जो है कुछ नया डेटा डाल दें जो आपके काम का नहीं हो, वरना आपका जो पुराना डेटा है उसे रिकवर किया जा सकता है। तो इस चीज का आपको ख्याल रखना है। तो ये था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट कि डिलीट होने के बाद हमारे डेटा का क्या होता है, कब तक हम उसे रिकवर कर सकते हैं। अब जानते हैं कि डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जो है वो एक्चुअल में वर्क कैसे करता है। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल, आपका जो ड्राइव है वो एक बुक है।
अब ड्राइव के अंदर फोल्डर्स भी होते हैं, हमारा डेटा होता है, फोटोज वीडियोज वगैरह होती है, तो वैसे ही बुक के अंदर जो है वो कवर होता है और उसके बाद जो है पेज वगैरह होते हैं, फिर उसके अंदर जो है वो टेक्स्ट वगैरह होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आपका जो ड्राइव है वो एक बुक है। अब वो बुक आप आपको पसंद नहीं है या फिर आप उससे आपका उससे जो है वो मन भर गया, तो आपने उसे शेल्फ से उठा करके डस्टबिन में डाल दिया। अब जब भी आप चाहोगे तो उस डस्टबिन से आप जो है उससे फिर से अगेन शेल्फ में डाल सकते हो, रीस्टोर कर सकते हो। नॉर्मली हम लोग जो है रिसाइकल बिन में कोई भी डेटा चला जाता है तो वहां से रीस्टोर कर लेते हैं, क्योंकि वहां तक हमारी पहुंच होती है, हम अपने डस्टबिन से उसे अपने घर में फिर से वापस ला सकते हैं। लेकिन अगर वो डेटा, वो बुक जो है वो आपके घर से बाहर निकल गया, कचड़े वाला या फिर जो है कूड़े वाला उस बुक को ले गया, तो आपकी पहुंच से वो बाहर चला गया, उसके बाद ले जाकर के वो जो है फाइनल रिसाइकलिंग के लिए दे दिया, उसने कवर को अलग कर दिया, पेज को अलग कर दिया, यहां तक जो है वो रिकवरी पॉसिबल है उस बुक की। आप डिटेक्टिव हायर कर सकते हो, जैसा फिल्मों में होता है कि कोई चीज ऐसी खो गई, फिर जो है वो लिंक से लिंक मिला करके फिर से उस चीज को रिकवर कर लेते हैं। तो डेटा रिकवरी सॉफ्टवेयर जो है वो यही काम करती है, वो क्या करती है आपके लिए एक तरीके से डिटेक्टिव का काम करती है, वो स्कैन करती है और सारी चीजों को कलेक्ट करती है, बाइंड करती है और उसके बाद वो आपको दे देती है कि लीजिए ये आपका डेटा, क्या आप इसे रिकवर करना चाहते हैं। तो सिंपल है कि जब तक उसको फाइनल अगर रिसाइकलिंग में जा करके उसको जो है रॉ मटेरियल में कन्वर्ट कर दिया जाए, मतलब उसकी बुकनी मुकनी बना करके उसमें पानी वानी डाल दे, तब रिकवर करना पॉसिबल नहीं है। तो वही चीज है, जब तक आपका डेटा जो है वो ओवरराइट नहीं हुआ तब तक आपका डेटा जो है वो रिकवर हो सकता है। तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट, उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कब तक हम डेटा को रिकवर कर सकते हैं, क्या होता है बिहाइंड द सीन। तो उम्मीद है कि आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगा, आप लोगों को पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, लाइक तो जरूर कीजिए। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज, जय हिंद।